आपके भरोसे पर खरे उतरकर हमने पूरे किए हैं 3 साल। आपका क्षेत्र, आपके मुद्दे, हम बने हैं आपकी आवाज। सटीक खबरें, बेबाक अंदाज, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टीवी समाचार। आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या के तत्वाधान में बुधवार को कृषि विज्ञान केंद्र बराइच परिसर में एक दिवसीय किसान मेला व कृषक गोष्ठी का आयोजन किया गया। महामना मालवीय मिशन अध्यक्ष क्षेत्र संजीव श्रीवास्तव एडवोकेट के नेतृत्व में 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य अतिथि कुलपति प्रोफेसर बजेंद्र सिंह को ज्ञापन देकर जनपद के किसानों द्वारा अंधाधुंध रासायनिक उर्वरक व कीटनाशक दवाइयों के प्रयोग पर विराम लगाए जाने की मांग की है। अध्यक्ष संजीव श्रीवास्तव ने कुलपति को बताया कि बढ़ रहे रासायनिक उर्वरक व कीटनाशक दवाइयों के उपयोग से यहाँ के लोगों को गंभीर लाइलाज बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। इस पर विराम न लगाया गया तो हालत भयावह होंगे। मालवीय मिशन ने माननीय कुलपति से जनपद के ग्रामीणांचल में विषय मुक्त खेती, नशा मुक्त गांव विषयक पर जन जागरण कार्यक्रम चलाए जाने का आग्रह भी किया। प्रतिनिधि मंडल में प्रमुख रूप से प्रगतिशील कृषक आलोक शुक्ला, जय कृष्ण मौर्य, जे के सुखिया, रमेश मिश्र, डॉक्टर राधेश्याम श्रीवास्तव, प्रगतिशील कृषक अंबिका प्रसाद वर्मा, समाज सेवी कृष्णानंद शुक्ला व पंकज श्रीवास्तव आदि लोग शामिल रहे। बराहीज से शीतल प्रसाद तिवारी की रिपोर्ट।